हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास है सैमसंग का कोई भी डिवाइसेस तो आप अपने फ़ोन को बना सकते हो आईफोन 16 के जैसे। आईफोन 16 यानी कि आईओएस 16 हम बोल सकते हैं। आईफोन 16 तो अभी आया नहीं, आईफोन 14 आया, लेकिन हम आईओएस 16 की बात करें। आईओएस 16 के जैसे अगर आप लोग अपने फ़ोन को लुक देना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपने हाथ में जो फोन है सैमसंग का S22 अल्ट्रा फोन है, और इसमें जो हम करने वाले हैं इंस्टॉल। इजीली आप लोगों को कुछ सेटअप करने पड़ेंगे, जिनकी जो दो फाइल आपको जरूरत पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप उस फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल से यहाँ से जो स्टेटस वॉलपेपर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हम जो इसे डायरेक्टली पहले डेटा क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो इजीली इसे आप लोग अच्छे से सेटअप कर सको, और आप लोगों को जो है मैं ठीक से बता सकूं कि भाई आप लोग जो कैसे इसको सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। फाइनली मैंने इसको जो डेटा है वो क्लियर किया, और मैं डायरेक्टली इसे ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलाउ कीजिएगा, यहाँ से जो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आप जो भी आपको फेवरेट लगे, जो भी अच्छा लगे, वो वाला आप लोग जो है सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से जो कुछ ऐड वगैरह फालतू के देखने को मिलेंगे ऐड को मारिए कट, और इसको जो इजीली अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे ऐड वगैरह देखने को मिल चुके हैं, तो ऐड वगैरह पे तो आपको फोकस नहीं करना है, और सैटेज वॉलपेपर पे क्लिक करके लॉक स्क्रीन पे सैटेज होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन जहाँ भी आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इंटरनेट एरर है, तो कोई इशू नहीं है। तो कैसे मैंने इसको क्लिक किया, लेकिन ये वैसा ही दिख रहा है, तो मतलब कलर है कुछ ठीक नहीं लग रहे। और अगर ऊपर के वॉलपेपर चेक करूं मैं तो यहाँ देखो, ओ भाई, ठीक है। तो ये वाला हम चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यस, कट और सेट है, ठीक है। सेट होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों भी करेंगे हम, सेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो है आप लोग अपने कंट्रोल सेंटर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर्स के लिए हमने एक अलग से वॉलपेपर वो दिया है एप्लीकेशंस, उसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, एंड कंट्रोल सेंटर्स को आप यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशंस वगैरह आप लोगों को मांगेगा, वो सारे परमिशन सेट कीजिएगा। सारी परमिशन सेट करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहला ये चीज़ आप लोगों को ऑन होनी चाहिए, ये ऑफ रहेगी तो आपका कंट्रोल सेंटर्स काम नहीं करेगा, ये ऑन होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वाइप अप कंट्रोल, सो स्वाइप अप कंट्रोल सेंटर, तो आप कहाँ से निकालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। हमने जो यहाँ से सेट कर रखा है, यहाँ से आप अगर इस साइड से क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एक निशान बन के आ जाता है, अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से दिखा दूंगा, एक मिनट, उस किधर से गया, एक सेकेंड, देखो गाइस यहाँ से, ठीक है। बस आपको यहाँ से आ तक के थोड़ा सा स्पीड के साथ खींचना रहेगा इसे, और डायरेक्टली आपका जो कंट्रोल सेंटर से वो निकल के आ जाएगा, जिससे जो आपका फोन काफ़ी ज़्यादा हद तक iOS 16 के जैसा लगेगा। सो वीडियो को आप लोगों ने देख लिया कि काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप लोग जो इसको सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे आप इसे निकालोगे, ओ भाई आ जा, आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक का कंट्रोल कर सकते हो, फ्लैश लाइट भी यहाँ से जला सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, फ्लैश भी यहाँ से आप जो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जल चुकी है, तो इस तरीके से आप लोग जो है काफी सारे काम इसके अंदर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कीजिए, और यहाँ से स्टिट, और इस तरीके से खींचिए, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ फ्लैश ऑफ हो चुके, तो इस तरीके से आप लोग जो इसे सेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।